हैदराबाद में शूट किया क्या? अरे 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 शर्मा रे काइकू जी। हाय गाइस, मेरा नाम राज वर्मा, देखो इन गेम लोग स्नैक्स गेमिंग नाम से जानते हैं, सीएसगो का प्लेयर है स्नैक्स बोल के, तो नाम मेरे को पसंद आया तो मैं मेरा जर्नी वही नाम से कंटिन्यू किया। व्हेनेवर समवन फ्रॉम कम्युनिटी केम टू हिम लाइक आई हैव अ क्रश ऑन यू समथिंग लाइक दैट, लाइक भाई क्या बोलूं इसको, बोलना नॉर्मल बात के नहीं से होता ही नहीं है। जो भी राज को मिलता है ना, सबको ऐसे लगता है कि बहुत सीधा है, बट ऐसा सीधा नहीं है। राजन समर सबसे ज्यादा अंदर का इंसान उन्होंने ही है, बहुत कमीना है वो। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, ये तो मैंने सुना है कि सीधा तो नहीं है, लोगों को इतना प्यार मिला। फिर देयर वर टाइम्स कि कभी वो बाहर जाता था तो लोग उसको रिकॉग्नाइज कर देते, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि ओके ही इज डूइंग समथिंग लाइक दिस इज लेजिट। Yeah, Snacks is the biggest star. Oh, bhai, haan, ye meetup. पहले हम लोग का सबसे पुराना जो घर था वो यहीं था, ओल्ड सिटी में था, तो हम लोग पीएसजी पेरेंट्स इन जमीन ओल्ड सिटी में हम लोग आई थिंक 6 से 7 साल के लिए रुके थे, फिर वहां से हम लोग गए थे बेगम बाजार, बेगम बाजार से फिर मौजम शाह मार्केट, फिर वहाँ से कुत्ता पेट, ऐसा दे शिफ्टेड सो मच। तो जो ये ओल्ड सिटी वाला घर था वो लिटरली आजकल जो किचन आता ना लोगों का, तो किचन का साइज रहता उतना हमारा रूम था पूरा। हाँ, किचन हॉल बेडरूम सब वही है या इतना सा छोटा सा रूम था। ग्रोइंग अप विद स्नैक्स हम लोग ऐसे ही, मतलब बचपन से हम दोनों बहुत क्लोज है भाई बहन, हम दोनों बहुत स्ट्रगल देखे हुए, एज इन हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल देखे, तो हम लोग हमारे पेरेंट्स को देखे स्ट्रगल करते हुए, तो वही हमारे लिए बहुत मोटिवेशन फैक्टर था। और हम दोनों के दिमाग में अभी भी और बचपन से भी यही चीज़ हमारे पेरेंट्स डाले कि कुछ भी करो अपने बलबूते पे करो, बहुत मेहनत करो, अच्छा नाम कमाओ, सक्सेसफुल बनो लाइफ में। हमारे पेरेंट्स की स्टोरी से जितना मेरे डैड और जितना मेरी मॉम स्ट्रगल करके हमको यहाँ तक लेके आए, हम लोग बहुत कुछ सीखे उनसे। मैं 10th कंप्लीट किया अपना। ओह लुक एट हिम, 10th कंप्लीट करने का कभी इतना अलग दिख रहा है। पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, जस्ट था कि पास होने का है बस, तो मेरे पास एक ऑप्शन एक ही बचा था, मेरे फैमिली बिजनेस है मेरे मॉम साइड का, ज्वेलरी एंड ऑल का, डायमंड्स एंड ऑल का, बट मेरे डैड एक ग्राफिक डिजाइनर है तो उनका शॉप है यहीं पे हैदराबाद में, मेरे को उसमें जाना नहीं था, ऑफकोर्स मेरे को कुछ दूसरा करना था, तो डैड को स्ट्रगल करते देखा तो मैं चाह रहा था कि मैं वही करके फिर कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाऊंगा एज अ सन, तो मैं सूरत गया था डायमंड का काम सीखने। सूरत में मैंने फर्स्ट में नवसारी गया था, नवसारी एक छोटा सिटी है गुजरात में, तो नवसारी में मैं एक फैक्ट्री में मेरे भाई अपना साउंड कम कर क्या होता है, मेरी रिएक्शन देख रहे हो ठीक है ना, तो आप जाके वहां से देख लो ना अगर देखना है बिना मेरी आवाज के, मतलब हौला है क्या। मॉम साइड के फैमिली मेंबर के रेफरेंस के थ्रू एक फैक्ट्री में गया था फॉर 6 मंथ्स, मैं फैक्ट्री में था, फैक्ट्री में कुछ सिखाया नहीं गया था मेरे को, मतलब सिर्फ मैं आप समझ रहे हो 10th कंप्लीट करके 16 इयर्स का एक बच्चा अकेले रह रहा है, अकेले चला गया था मैं वहाँ पे रहने के लिए एंड काम सीखने के लिए चला गया था, तो 6 महीने मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एक तो फैमिली से पहली बार इतना दूर स्नैक्स ने सिखाया ये क्या, ये गाली थोड़ी ना हुई, और उन लोगों ने मतलब लिटरली कुछ सिखाया नहीं था मेरे को। ये 6 मंथ जो मेरे वो थे वो सबसे हॉरिबल थे स्टार्टिंग के 6 मंथ, तो वहाँ पे गिव अप जैसा हो गया था। वहाँ पे जाके उसने बहुत मेहनत की, लाइक थोड़ी चीजें मैं बता भी नहीं सकती, मैं ना कुछ सीखा, मैं उनके काम कर रहा था, मैं चाय के ग्लास लेके आ रहा था लोगों के नीचे, वो बैठ के काम करता था उनके लिए, गुजरात में गुजराती लोगों के लिए मावा बोल के एक होता है, दिन भर उनके मावे घिस रहा था, मावा ऐसे ट्रेनों में धक्के खाता था, सूरत नवसारी आगे पीछे करता था रोज, मशीनें साफ कर रहा था, पूरा लेबर वर्क कर रहा था लिटरली। वहां से उसने बहुत स्ट्रगल किया 3-4 साल, स्टार्ट मैंने हीरे पॉलिश से किया था, मतलब रफ डायमंड जो आता है उसको घिसना, उसको एक डायमंड में कन्वर्ट करना, मैंने पूरा फैक्ट्री का जो भी काम रहता है वो पूरा सीखा था डायमंड का, तो मावा मींस गुड, 1-1.5 साल तक मैं सूरत ऐसे डेली अप डाउन करते गया, तो 2-3 घंटे मेरे डेली ट्रैवलिंग में वेस्ट हो जाते थे, तो मैं फिर मैं मॉम डैड को बोला कि ये चेंज करते हैं, मैं 3-4 घंटे और एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ वहाँ पे ताकि मैं जल्दी से जल्दी काम सीखूँ कुछ कर पाऊँ। फिर मैं सूरत शिफ्ट हुआ, 1.5 साल में नवसारी में रह गए थे, 1.5 साल सूरत शिफ्ट हुआ, मैं मॉर्निंग 7 बजे फैक्ट्री में जाता था, 8-9 बजे तक फैक्ट्री में रहता था, आके वही गेम वेम खेलो सो जाओ वैसा था, तो पूरा काम कंप्लीट किया मैंने डायमंड का, पूरा सीख लिया मैं 3 साल में, रफ डायमंड से लेके
पॉलिश तक ए टू सेट पूरा सीखे। रफ सीखने में लोगों को 3 साल लग जाते, मैंने दोनों 3 साल में कंप्लीट कर दिया था। मैं पागल था सीखने के लिए, मैं दिन दिन भर वहीं रहता था, हर ग्राइंड से अपना नॉलेज लेते, इस पे भी ग्राइंड, तो ओवरऑल वो जुनून था वो टाइम पे, उस चक्कर में मैं सीख गया। Such a sweet kid, bro. तो एंकोर पैराडॉक्स इन लोगों के साथ मैं टीम बनाया था, हम लोग, मैं लिटरली गेमिंग फन के लिए करता था, तो मजाक मजाक में हम लोग ने रजिस्टर कर दिया टूर्नामेंट के लिए, और मस्ती मस्ती में, मैं मस्ती में था, वो लोग ऑफकोर्स सीरियस थे, मैं मस्ती मस्ती में फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, एंड मेरे को पता चला कि दिल्ली जाना पड़ेगा टूर्नामेंट में जाके, वहाँ पे एक स्टेडियम में खेलना पड़ेगा, आपको होटल का स्टे मिलेगा, ओके, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो टाइम पे। तो एकदम से जाना होटल में खेलना, तुमको स्टे वगैरह, मुझे नहीं पता था स्नैक्स कम्स फ्रॉम हंबल बिगिनिंग। जब उसने मेरे पेरेंट्स से बात की थी, मेरे पेरेंट्स बोले आई हैड नो आईडिया, मैं पढ़ना नहीं है, सब क्या है, टाइम पास के लिए खेल ले, बट ये प्रोफेशन नहीं है, लाइक यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दिस, करके ऐसे बोलते थे। मैं गया वहां पे फाइनल्स में फिफ्थ आए और $10,000 जीते वो टाइम पे। तो मैं जब कॉल करके बोला मम्मी को बोला, बहन को बोला कि मैं $10,000 जीता हूँ पर प्लेयर, इतना 1 लाख प्लस मिलेगा ही मिनिमम। मेरी मम्मी को लगा ऐसे कुछ पैसे ऐसे yeah? 1 लाख रुपए जीत गए ऐसा था, बट फिर पैसे आए तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, ये लेजिट प्रोफेशन है, हाँ लोग पैसा कमा रहे हैं। फिर बैठ के उनको बताया भी कि ऐसे प्रोफाइल्स बताए कि ऐसे ऐसे होता है, एंड ये ऐसी कम्युनिटी है, उनका यूट्यूब चैनल है, ऐसे लाइव इवेंट्स होते हैं, तब जाके उनको थोड़ा सा बिलीव हुआ कि ओके शायद ये लेजिट कुछ है। तो वहाँ से फिर थोड़ा गेमिंग का मैं मॉम डैड को बोला था कि अभी 1-2 घंटे मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, 1-2 घंटे और इंक्रीज करता हूँ, मैं शेड्यूल सब मैनेज कर लूँगा, सुबह उठ के ट्रेन पकड़ो 7 बजे उठ के, मैं तब जिम भी करता था, 5 बजे उठो, अरे 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 6:30 बजे तक वापस आओ, 7 बजे की ट्रेन पकड़ो, एंड 9 बजे तक फैक्ट्री पे रहो, ट्रेन पकड़ के वापस घर को आओ, फिर 1-2 घंटा गेम खेल लो। मैं वो 1-2 घंटे को और एक्सटेंड किया, मैं 10 से 1-2 बजे घर को लेके जाता था, 3-4 घंटे सो के वापस उठा, पिक्चर समझ में आ गई थी मेरे को क्या करना है, इतना सारा कैसे कर लेता था। हैदराबाद आता हूँ, मैंने पूरा ए टू जेड, मेरे को एट दी एंड किसी ज्वेलरी शॉप में या किसी डायमंड के जो भी फैक्ट्री है उसके अंदर काम कर रहे हैं, मेरा वही है 9 to 5 जॉब करो, एंड जो भी सीखा है वो काम करो, जॉब वाला सिस्टम रहेगा, मेरे को ऐसा रहना नहीं था। अगर मैं वो कंटिन्यू करता तो जो गोल्स मैंने सेट किए थे वो पूरा करने में वो 40-50 साल की उम्र निकल जाती थी। तो मेरे मन में ऐसा था कि मेरे को जो भी करना है खुद से जल्दी जल्दी करने गए, ऐसा ये 9 to 5 वाली जॉब में मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, लाइफ वही रहेगी जैसा चल रही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये 9 to 5 जॉब खुद करूंगा तो शायद घर में 2 वक्त की रोटी आ जाए, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ पड़ता नहीं था। तो मेरे मन में तब से ही था कि मेरे को कुछ बड़ा करने है, तो एक गेमिंग मेरे को ऐसा एक ये सेक्टर लगा कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, इसमें कुछ जल्दी अचीव कर सकता हूँ, मैं अच्छा अर्न कर सकता हूँ। तो सेकेंड PMCO के बाद मेरे को 2-3 टीम से इनवाइट आया था, फिनेटिक था, एंटिटी था, मैं वो टाइम पे थोड़ा बहुत क्लचेस वगैरह कर दिया था, थोड़ा मेरा नाम बन गया था, उसके बाद मेरे को इनवाइट मिला था। मैंने फिनेटिक को मना कर दिया था एंटिटी के चक्कर में, एंटिटी को मैं ज्वाइन करने वाला था, मेरे को घातक भाई से बात हुआ था, घातक भाई ने मेरे को बोला चल तेरा डन है तू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, तो वे बात मैं घर पर बताया था। पहले मैं फिनेटिक का ऑफर रिजेक्ट किया था ताकि मैं एंटिटी में जाऊँ, फिनेटिक आप लोगों को बताया तब फर्स्ट टाइम इंडिया एंटर कर रही थी, बहुत मतलब CSGO देखता था, ऑफकोर्स फिनेटिक का नाम मैं तब से जानता था कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, क्या होगा वहाँ पे जाने का, तो रिजेक्ट किया एंटिटी के चक्कर में, एंटिटी वालों ने 1-1.5 महीने बाद मना कर दिया कि तेरे को नहीं ले रहे, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका पड़ा। तो मैं जो पहले टीम्स को रिजेक्ट किया था उनको मैसेज किया था कि है क्या भाई अभी जाए, बोलते नहीं खत्म हो गया तो हो गया, मैंने वहाँ से फिर पूरी गेमिंग छोड़ दी, फिर वापस दिमाग में यही बैठ गया जिंदगी 9 to 5 जॉब करो, जो सीखे 3 साल की मेहनत है जाओ हैदराबाद पे वही लाइफ कंटिन्यू करो। तो 1-1.5 महीना बहुत खराब गया था, सोच ही लिया था कि यही करना है, अब ऑप्शन नहीं है मेरे पास कुछ, तो पूरा गेमिंग छोड़ दिया मैं। उसके बाद सडनली दिसंबर में एक टूर्नामेंट अनाउंस होता था PMS PUBG मोबाइल ऑल्स्टार, हैदराबाद का टूर्नामेंट था, हैदराबाद में हो रहा था, INDs की टीम थी, INDs वॉज द वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंडिया वो टाइम पे, अभी तो है नहीं टीम, तो वहाँ पे फ्रैंकी खेल रहा था INDs की लाइनअप से, Frankie was supposed to come but he couldn't come, we had some miscommunications, so I had to get a player because we had interview right next day in the morning and if we couldn't get a player so they might like the TOs told us that if we Kratos. Don't get a player we will have to like get another team a chance, to Kratos ka mereko call aata, Kratos se meri baat hote rehti but uska call aaya ki bhai aisa aisa scene hua to Hyderabad mein rehta hai, to
क्या खेल पाएगा. So I called Snacks again. I told what are the odds कि Frankie नहीं आ पाया. So I told him just give it a chance. If it doesn't work, then you can quit gaming. Anyways, you are not doing it for a long time. Just give it a chance. So he told give me 10 minutes. वो luckily मेरे पास वो चांस आया and मैं पूरा ready था उसके लिए. मेरे को ये चांस लेने का है. Last चांस देंगे. जो भी होगा देखा जाएगा. तो मैंने घर पे फिर बता रही हूँ. Please मुझे कोई controversy में involve नहीं होना. प्लीज चैट में किसी को नो मैटर हु इट इज प्लीज उनके बारे में बुरा मत बोलो. आई डोंट लाइक इट. बाद में बोल दिया एक दो महीने पहले घर पे बोल दिया कि मैं पूरा छोड़ रहा हूँ मैं यही करूँगा. तो घर वाले भी खुश थे वो काम से. तो वो नहीं चाह रहे थे कि जो मैं 3 साल का जो स्ट्रगल किया था वो पूरा वेस्ट जाने दो कि एकदम से दूसरा ले लो. तो उन लोगों का मन नहीं था. फिर मैं वापस उनको 2 महीने बाद कॉल करके बोलता हूँ मेरे को इसमें एक बार लास्ट ट्राई देना है. मेरे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम ये थी कि लोग क्या बोलेंगे. टूर्नामेंट खेल के जाऊंगा आप लोग से मिल भी लूंगा. तो ऐसा करके लकीली मैं हैदराबाद आया. एंडी के साथ मैंने वो टूर्नामेंट खेला. बहुत मस्त गया मेरा वो टूर्नामेंट. देन वी एंडेड अप डूइंग लाइक वी गॉट अ लॉट ऑफ चिकन डिनर्स एंड वी स्टार्टेड बीइंग कंसिस्टेंट फ्रॉम देयर. सो वी थॉट वी कैन एक्चुअली डू इट नाउ. फिर वहां मेरे को एक क्लियर पिक्चर दिखी यहाँ से मेरा ये टीम के साथ शायद मेरा फ्यूचर सेट हो जाए. मेरे को एक वाइब आ गया था. एक पॉजिटिव वो आ गया था फीलिंग कि यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ गेमिंग में. फिर मैं गया था एनडी के बूट कैंप. जैन एंड में या फेब के अराउंड में गया था एनडी के बूट कैंप. मैंने वहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की. एंड एनडी की जो जर्नी थी वही जर्नी है जो मेरे को आज इस स्टेज पे ले गई. मैं उस टीम के साथ जो ग्राइंड किया हूँ टीम के साथ जो मैंने मेरा परफॉर्मेंस मेरा यूट्यूब जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ. मैंने ड्रिल्स डालना स्टार्ट किया. मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया. एडवांटेज ऑफ जायरो सबसे पहली बार दिमाग में यही चाहता अरे भाई जायरो का स्प्रे अब आवा आवा इसका स्प्रे बोले तो इन्होंने जायरो यूज करता यही चाहता लोगों के दिमाग में. तो 3 महीने में जो रिजल्ट दिखा था आवा आवा कि 1-2 साल 3 साल बाद मिलेगा मेरे को बट वो सर ना स्प्रे. एक तो लॉकडाउन हो गया था 2020 जैन की बात कर रहा हूं जब मैं आईएनडी ज्वाइन किया था. मार्च के अराउंड लॉकडाउन हो गया था. सो वी एक्चुअली वेंट देयर फॉर अ लीग टूर्नामेंट मस्त रे. देन वी गॉट स्टक देयर इन स्नैक्स भाई वाज इन द रेड जोन एंड वी कुडंट गो आउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड एवरीवन वाज जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. 8 महीने हम लोग एक घर के अंदर फ्लैट के अंदर बनते हम सारे प्लेयर्स ना बाहर जा सकते ना कुछ कर सकते. वो 8 महीने जो मैंने ग्राइंड किया है मेरे टीममेट्स के साथ वो ग्राइंड बहुत ज्यादा मैटर करा अभी तक की जर्नी में मेरे. एंड मेरे को क्रेटोस स्लेयर ने बहुत कुछ सिखाया. मैं एक अंडरडॉग था. मैं बस मारता था इतना दिमाग में था. बट जो गेम सेंस की बात है एक्सपीरियंस की बात है वो लोग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे वो टाइम पे अभी भी है. तो उन लोगों से जो मैंने सीखा है वो मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प किया है. आप लोग एक और नेट एंड इस बार एक नॉक निकालेंगे स्नैक्स एंड इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी करेंगे. बट उसी दौरान एक और प्लेयर ऊपर पुश करके उन्हें भी. पहले तो मेरे को स्ट्रीमिंग का तब पता चला जब मैं 700 के हिट करने के आने मैं 8-bit क्रिएटिव ज्वाइन किया था. तब वो फेज में वो ज्वाइन करने के टाइम पे लोको प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था 8-bit ओपी. स्टार्टिंग अरे अरे लोको ओपी. मेरे मन में एक तो डर था कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ट्रोल होता था मेरे स्लैंग को लेके. जब मैं वीडियोस में डालता था मेरे 3-4 स्लैंग्स है उसको लेके मैं ट्रोल होता था. मैं तो उसको एक ही एडवाइस देती थी तभी भी कि कीप डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग दिस इज यू डोंट बी समवन एल्स ऑन द कैमरा. तो मेरे अंदर था कि अरे यार लोग को पसंद आएगा नहीं आएगा मेरा स्ट्रीमिंग लोग मजाक बनाएंगे. तो एक डर था अंदर. बट जब मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया Anything. लोगों को मेरी पर्सनालिटी पसंद आई. ये तो उसको पता ही था ब्रो कुछ भी. जिस तरीके से मैं एंटरटेन कर रहा था उन लोगों को एक वाइब आ रहा था सारे के सारे ऑडियंस को. एंड वो वाइब के साथ मैं जब पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कर ऑफकोर्स वीओडी के थ्रू इंटरेक्शन नहीं होता कमेंट्स पढ़ लिए बस होते हैं. बट जो लाइव इंटरेक्शन था पैसा करना पड़ता करते बोले तो ही मजा आता नहीं तो मैं अकेले करे तो मजा नहीं आता. वो फील तुम्हारे को भी लेना पड़ता. ये रेडी है ना वारफा आने वाला है. उनसे जो मेरा इंटरेक्शन होता है वो पर्सनल इंटरेक्शन हो जाते हैं. लोगों पे जितने भी मेरी ऑडियंस मेरे को देखने आते हैं वो लोग जानते होंगे जो रेगुलर व्यूअर्स है ना मैं जो पर्सनल इंटरेक्शन ऐसा इंटरेक्शन मैं भी करूं जो मेरे को यूजुअली ऐसा ले ओ वीडियोस में या YouTube डांस उनों से गेम तक का मतलब इंटरेक्शन होता है मेरे से. इधर जब लोगों पे जब भी मैं स्ट्रीम करता हूं मैं पूरा स्ट्रेस बस्टर रहता है मेरे लिए रिलीफ स्ट्रीम रहता है. तो जो भी इंटरेक्शन होता है वो राज वर्मा का भी इंटरेक्शन रहता है और स्नैक्स गेमिंग का भी इंटरेक्शन था. मैं मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता हूं मैं क्या कर रहा हूं स्नैक्स भाई के बारे में या क्या प्लान्स है क्या है लोग अपने से डिस्कस करते हैं. और जो ऑडियंस मैंने लोगों पे गेन किए वो दिल से चाहने वाले हैं. मैं अंधा बोल सकता हूं
बट देख रहे हो तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई को पर तुम देख रहे हो, कल सर्जरी हुआ है मार्क के यहाँ, सुबह फ्लाइट पकड़ा है दोपहर में, आके स्ट्रीम कर रहा हूँ भे देख रहे हो तुम्हारे भाई की पावर है, हैदराबादी खाने की पावर है मार्क की, तो अपन जो फिट थे ना इस वजह से अपन ये है भाई। That video भाई, जहाँ हाथ टूटा था वो याद आ गया मुझे एक सेकंड के लिए। देखा है हमारे तरफ एक तरह का बिहेवियर देखा है, इंसल्ट देखी है, हमारे पेरेंट्स की इंसल्ट देखी है। शॉपिंग मेरे को इसलिए पसंद, कॉज जब बचपन में, जब 10th क्लास के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सूरत जाने के पहले की बात कर रहा हूँ, दिवाली आती थी, कोई भी फेस्टिवल आता था, मासी के जो लड़के बच्चे उनके कपड़े हमारे पास आते थे, कि चलो उनके मतलब उनका उन्होंने पहन लिया बहुत बार, तो वो कपड़े हमको दे देते, हम खुश होते थे, अरे दिवाली आ गई अब मासी ये लोग आएंगे वेकेशन में, कपड़े लेके आएंगे हम, वो कपड़े पहनेंगे उनके। वो बचपन में तभी मेरे को रियलाइज हो गया कि दूसरों के पहने हुए कपड़े पहन रहा हूँ मैं, तभी हिट हो गया था मेरे को शॉपिंग, मतलब कपड़े जो भी पहन रहा हूँ मैं किसी दूसरे के, हम लोग उसी में खुश हो जाते। उसके बाद जब मैं खुद अर्न करना स्टार्ट किया, बोला आज के बाद किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, खुद से शॉपिंग करूंगा। एंड जब पहले कभी भी हम लोग कपड़े लेने जाते थे तो मैं, मेरी मम्मी सेल जहाँ पे नहीं लिखा उसके बगैर कोई दुकान में एंटर नहीं करते थे। एंड अगर हम लोग चार टी शर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं मेरे लिए, काउंटर पे जाने का नहीं, एक सेलेक्ट होता था प्राइस टैग वगैरह देख देख के। तो वो फेस के बाद जब मैं अर्न करना स्टार्ट करा, मेरे मॉम को बोला था प्राइस टैग नहीं देखेंगे, जो पसंद है इसलिए मेरे को शॉपिंग सबसे ज्यादा पसंद है। जो भी स्ट्रगल किया था उसका रिजल्ट मिलेगा, जो भी मेहनत करी थी वो करते रहने गए, चाहे वो 5 साल बाद, ऐसा नहीं कि छोड़ देने गए, अभी एज है पूरा घिसने गए, जितना कर सकते उतना करने गए, कर रहा हूँ वही करते रहूँगा। एंड भगवान पे भरोसा है, पप्पा से जो भी मैंने आज तक पूछा है उसने, मतलब पप्पा ने मेरे लिए पूरा करके दिया है मेरे लिए, एंड वही करते जाऊँगा, वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसा हार्डवर्क कर रहा हूँ वैसे करते रहूँगा, अपनी फैमिली को जितना खुश रख सकता हूँ उतना खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ।